हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग अपने हाथों से जंगलों में कभी कभी बैठेंगे या किसी काम से जाएंगे, तो अपने हाथों से हम लोग सेम टू सेम तीतर की जैसा आवाज़ निकालेंगे। और तीतर तो कभी कभी सेम टू सेम आवाज़ अगर आप लोग निकालेंगे तो तीतर भी दौड़ के आते हैं दोस्तों, और तीतर भी उस आवाज़ से आवाज़ देते हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग जो भाई लोग हैं हमेशा अलग 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 प्रकार का ट्रिक खोजते रहते हैं कि भाई जंगल में जाए और हमारे पास कुछ ना रहे और हम लोग आसानी से एक सेम टू सेम तीतर के जैसा आवाज़ निकालने जानते तो कितनी अच्छी के बात होता। हम लोग तीतर वगैरह पालते हैं तो तीतर को रखते हैं तब जाकर वो आवाज़ देता है, और हम लोग तीतर को रखते हैं तो सोचते हैं भाई जल्दी जल्दी आवाज़ दो, जल्दी जल्दी आवाज़ दो। चाहे दूसरे का जो जंगली वाला तीतर होता है वो आवाज़ देता है, और हमारे तीतर जब सन्नाटा हो जाता है, मतलब आवाज़ नहीं देता है, उस समय हम लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी आवाज़ दे, जल्दी आवाज़ दे। और उस समय अगर तीतर नहीं आवाज़ देता है तो काफ़ी दिमाग में हम लोग को गुस्सा भर जाता है, और हम लोग गुस्सा होते हैं कि भाई हमारा तीतर जल्दी जल्दी आवाज़ दे और दूसरी तीतर जो है हमारे तीतर के पास लड़ने के लिए आए। तो उस समय दोस्तों अगर हमारे पास तीतर भी ना हो और आवाज़ भी ना हो, और अगर हम लोग अगर हाथों से एक तीतर का आवाज़ अगर निकालेंगे तो कितनी अच्छी की बात है। तो दोस्तों बस यही है, और आप लोग भी सोच सकते होंगे कि भाई हाथ से कैसे तीतर का आवाज़ निकालें। तो दोस्तों इस हाथ के ही वजह से अभी तीतर की जैसा आवाज़ निकलेगा, वो भी इसमें जो है आप लड़ाई करने के जैसा आवाज़ निकाल सकते हैं और एक तीतर को बुलाने के जैसा आवाज़ निकाल सकते हैं और मेदन के जैसा आवाज़ निकाल सकते हैं और नर की जैसा भी आवाज़ निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना हाथों से निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे अभी। हम लोग एक हाथ को प्रयोग करेंगे और नाक को और मुंह से ही हम लोग को निकालना है ना। चलिए दोस्तों, अभी हम जंगल में हैं दोस्तों और आप लोग को वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई बताएंगे। तो चलिए हम अपना नाक को देखिए, इस तरह से ई वाला है, ऐसा कीजिएगा और इसको दबाइएगा। देखिए नाक जो है दब रहा है, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा गला को साफ कर लीजिएगा, कार वगैरह बैठा होगा उसको साफ कीजिएगा ताकि जो गला है यहाँ से आएगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं, दबा दिए, थोड़ा सा आप लोग सुने होंगे किस तरह का आवाज़ निकला अभी। चलिए इसको हम लोग दबाते हैं, देखिए कैसे आवाज़ निकल रहा है दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग हर एक इंसान के पास थोड़ा सा जो आवाज़ होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, बोले तो अलग अलग थोड़ा होते हैं, मोटा पतला। तो दोस्तों आप लोग को शायद हमसे भी सुंदर अच्छे आवाज़ आ सकता है। तो दोस्तों फिर आप लोग इसी तरह दबाइएगा और चलिए निकालते हैं, मतलब नर का लड़ाई की जगह। दोस्तों और इसको कोशिश करेंगे अच्छा निकालने के लिए, तो चलिए फिर से करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ से निकालिएगा, जब आप लोग अगर ध्यान से अगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों तो हम बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। तीतर नर मेदा अगर जंगल में हो या पाले हुए हो, उसको खुला में हम लोग रखते हैं और कुछ अगर दाना उन लोग को मिल जाता है तो किस तरह से उस मेदन को बुलाती है ना।
नर जो होता है मेदन को बुलाता है या मेदन भी नर को बुलाता है, किस तरह करता है? इस तरह का दोस्तों वो लोग खुशी के मारे चबा के, और खाएगा नहीं, उसको बुलाता है। मुर्गी भी ऐसा करते हैं, मुर्गी लोग भी। तो चलिए फिर से हम लोग दबाते हैं इसको, ठीक है, मेदन का एकदम नर। अगर मान लीजिए जंगल में सिंगल अगर आवाज दे रहा होगा दोस्तों, उस समय इस अगर आवाज को आप लोग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये नर जो है सुनाई आपका नाक वाला चला जाएगा जहाँ तक साउंड, तो ऑटोमेटिक दौड़ के आएगा दोस्तों। तो आप लोग को जैसे बताएं कि कहे कि गर्मी के मौसम में नर लोग अकेला होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी जो मेदा होते हैं मेदन जो फीमेल, वो अंडा पारने के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम ही में कि अंडा लेते हैं तीतर, और भी कोई कोई मतलब कि समय है अरे अनेक अनेक राज्यों में मतलब देशों में, तो वो लोग अलग अलग समयों में भी अंडा दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं लेके चलिएगा कि हम लोग को गर्मी में देता है, आप लोगों को कुछ अलग महीना में देता होगा और आप लोग गर्मी में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो आप लोग उस देश का होंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे कि किन महीना में अंडा देती है मेदन और किस समय नर जो होते हैं ये काला होते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा दौड़ के वो लोग आते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह का मेदन का आवाज़ निकलना। चलिए दोस्तों आप लोग भी दाबिए इसको दोनों को, अरे यहाँ से निकालना। थोड़ा सा और साउंड कीजिएगा, चलिए दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार आप लोग को नई नई एक चीज़ लाते रहते हैं लेटेस्ट वीडियो कि आप लोग को अच्छे लगेगा कुछ भी। तो चलिए दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब देकर आप लोग बंद कर दें हमारा वीडियो।